अस्सलामुअलैकुम। आज लाली के किचन में बच्चों के लिए एक अच्छी सी स्नैक्स बना रहे हैं हम लोग। इसके लिए मैंने 500 ग्राम की जो चिकन ली है, 2 चम्मच ऑयल डाला। अब इसको मैं कलर चेंज करूँगी थोड़ा सा, और इसके बाद इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। अब इसमें हम थोड़े मसाले ऐड कर लेते हैं। इसमें डाली मैंने सबसे पहले थोड़ी सी ब्लैक पेपर, 1 चम्मच नमक, आधी प्याज केचप, आधी प्याली मायोनीज, एक चम्मच जितना चिली सॉस, एक चम्मच जितना सोया सॉस और आधी चम्मच जितना सिरका। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तेज़ आंच पे मिक्स भी करते जाएंगे, मिक्स भी हो जाएगा और चिकन भी गल जाएगी। ये रोल की शीट ले लिए, इसको मैं बीच में से हाफ कट कर लूँगी। इसको रखा इसमें, और ये बच्चों के लिहाज से ये 1 बाइट रोल बनेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप चाहें तो बड़े साइज के भी शीट को फुल ना काटें बीच में से, जैसे मैंने काटी, आप ना चाहें तो ना काटें। वैसे ये छोटे रोल ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं और बच्चे पसंद भी करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये रोल बन गया। एक और है, एक तरीके का और है, ये मेरे पास लेफ्ट ओवर पास्ता बचा। इस शीट को मैंने एक और पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके बाद जो है इसका मैं 1 बाइट समोसा बनाऊंगी। ये देखिए, पास्ता हर घर में हफ्ते में 2 दफ़ा तो ज़रूर ही बनता है, मेरे घर में तो ज़रूर बनता है। तो वो बच जाए तो उसको ज़ाया ना करें, उसको इस तरीके से काम में ले लें। ठीक है, ये देखें, ये हमारे जो है चिकन मायो रोल और ये मैक्रोनी समोसे तैयार हो चुके हैं फिलो के। अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। देखिए, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। मैं आपको दोनों चीज़ें फ्राई करके दिखाती हूँ। फूल डाल दिए और ये समोसे डाल दिए मैंने फ्राई होने के लिए। इसको हम स्लो आँच में करेंगे ताकि ये क्रिस्पी क्रिस्पी से बने। ये देखें, हमारे रोल और समोसे रेडी हो चुके हैं। हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, ट्राई करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।